आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूँ के आटे से बनने वाले मज़ेदार और झटपट वाली रेसिपी। कोई मैदा नहीं, कोई सूजी नहीं, कोई बेसन नहीं, आसान और सिंपल सी रेसिपी है। साथ ही ये खाने में बहुत यमी है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो दोस्तों, मैं प्रिया आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रख दिया गैस पे कढ़ाई और इसमें डाला एक छोटी चम्मच ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा छोटे चम्मच जीरा। जीरा को तड़कने देंगे हल्का सा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को काला नहीं करना है, बस हल्का सा ही हम सॉटे करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं एक कटोरी पानी। मेजरिंग के लिए आप कोई भी कटोरी घर का यूज कर सकते हो। पानी में हल्का सा उबाल आने देते हैं। पानी में हल्का सा उबाल आ चुका है तो डाल देंगे एक कच्चा आलू, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। आप ध्यान रखिएगा कि आलू में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ग्रेट करके इसे आप पानी में रख दीजिए और उसके बाद निचोड़ के इसमें डालना है। एक कच्चा आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं नमक और इसे 1 से 1.5 मिनट पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए डाल देंगे एक कटोरी गेहूं का आटा, वही नॉर्मल आटा जिससे हम रोज रोटियां बनाते हैं। तो जिससे हमने पानी नापा था ना, बस उसी कटोरी से हमने आटा लिया है। तो इसको हम लगातार मिलाते जाएंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई कर दोगे तो ये अच्छे से मिलेगा नहीं, फटाफट से गाढ़ा होने लगेगा और गुठलियां भी पड़ सकती है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये बहुत अच्छी तरह से मिल गया है और एक डो फॉर्म में आ गया है। तो फ्लेम को ऑफ करते हुए 5 मिनट के लिए हम इसे यूं ही कवर कर देंगे। लेते हैं एक मिक्सिंग बोल, इसमें डालेंगे आधा कटोरी गेहूं का आटा। साथ ही हम डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चिली फ्लेक्स डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और उसमें डाल देंगे सफेद तिल, बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाता है सफेद तिल डालने से। और थोड़ा सा ही डाल देंगे कसूरी मेथी। आपको कसूरी मेथी का स्वाद नहीं अच्छा लगता हो तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हो। सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी हम सलाड़ी बना लेंगे। ध्यान रहे एक बार में पानी बिल्कुल नहीं डालें, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड, एक बार जरूर बनाइएगा, सबको पसंद आता है और बहुत इजीली बन भी जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, मैं आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिलाती जा रही हूँ। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया है, उसे आप प्रेस कर सकते हो। इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख लीजिए, ये बिल्कुल इस तरह से है। तो चलिए, इसको रखते हैं अब साइड में। इधर हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी तरह अपनी स्टीम में पक गया है। इसको अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। आटा हमारा हल्का सा गर्म है, अगर ज़्यादा गर्म आपका आटा हो तो इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए कि ये छूने लायक हो जाए। और इसको हल्का सा हम मसल लेंगे, मसल मसल के इसमें चिकना कर लेंगे। तो देखिए, आप नीचे एकदम नहीं लग रहा है आटा, इसका मतलब कि हमारा आटा बहुत अच्छे से पक गया है, इस वजह से ये नीचे चिपक नहीं रहा है। बहुत ही परफेक्ट डो हमारा तैयार हुआ है। इसे मसल मसल के हल्का सा हम चिकना कर लेंगे। सो गाइज, मैंने इसे मसल मसल के बहुत ही चिकना कर लिया है। तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसका गोला बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस टाइप से लेते हैं एक चौका और इसमें हम इस पेड़े को डालेंगे और इसे हम रोटी के जैसा बेल लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा सूखा आटा और या ऑयल भी लगा सकते हो। इसको मैंने रोटी जैसा बेल लिया है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इतना मोटा मैंने रखा है। तो इसको हम चारों किनारे से काट देंगे क्योंकि हमें चौकोर पीस चाहिए, गोल पीस नहीं चाहिए, बिल्कुल इस टाइप से। और इसे हम दूसरी बार बेलने में यूज कर लेंगे। इसको हटा देंगे और इसे फिर हम बीच से कट करेंगे।
इतना मोटा रखते हुए इसमें बिल्कुल इस टाइप से बहुत ही इजी है फ्रेंड। एक बार ये नाश्ता जरूर बनाइए, सबको बहुत पसंद आती है इस टाइप से। तो देखिए इस टाइप से मैंने बना के तैयार किया है, तो सभी को मैं इस टाइप से रेडी कर लूंगी। सभी को मैंने बना के रेडी कर लिया है, चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने जो ये सलाड़ी बना के तैयार की थी इसमें अपने नाश्ते के एक पीस को डालेंगे और चम्मच से इसे कोट कर देंगे बिल्कुल इस टाइप से। और लेते हैं एक फोक, कांटे ले लेंगे और बिल्कुल इस टाइप से हम इसे उठाते हुए ऑयल में डालेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत आसान तरीके से बन जाती है झटपट से ये नाश्ता, और बहुत खाने में मज़ेदार लगती है। तो एक बार इस टाइप से आप ये रेसिपी जरूर बनाना, बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह से हम डालते जाएंगे। एक तरफ से सीख जाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। बहुत प्यारा सा कलर आ गया है तो हम इसे निकाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इसे इस टाइप से बना के रख सकते हो, जब मेहमान आए तो फटाफट से फ्राई कर लीजिए। बहुत अच्छा सा नाश्ता है ये, बहुत कमाल की लगती है। तो एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाना तो बनता है। तो लीजिए बन के तैयार है फ्रेंड सुपर डुपर टेस्टी गेहूं के आटे का एकदम यूनिक सा नाश्ता। इसे आप एक बार बनाएंगे तो घर में जरूर एक बार तो सब लोग जरूर पूछेंगे ये गेहूं के आटे का है, विश्वास नहीं होगा। बहुत ही क्रंची है, बहुत ही टेस्टी है। तो मैं इसका क्रंच भी आपको दिखा दे रही हूँ, ये कितने क्रिस्पी हैं। सुनिए आपने आवाज, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी है। तो एक तोड़ के भी मैं दिखा दे रही हूँ, मेरे तोड़ने से ही आप समझ पा रहे होंगे ये कितने टेस्टी है। और देखिए ये कितने फ्लफी है, अंदर से एकदम कुरकुरे एकदम टेस्टी बने हुए हैं। तो इस तरह से आप भी इस नाश्ते को बनाइए और सबकी तारीफें पाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल प्रिया लाइफस्टाइल बनारसी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।